हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न अबाउट द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग, कीपिंग द टेम्परेचर बिटवीन दैम इज नॉट मोर देन 30 डिग्री। तो ऐसे बुक में ऐसे 25 और 30 डिग्री दिया होता है। तो रेट ऑफ कूलिंग क्या होता है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ही रेट ऑफ कूलिंग होता है। जैसे आप हीट का लॉस कर रहे हैं तो यानी चीज़ ठंडी हो रही है, दैट इज़ रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट भी कह देते हैं या रेट ऑफ कूलिंग भी कह देते हैं। इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। व्हाट इज सिस्टम एंड व्हाट इज सराउंडिंग। सपोज ये मैंने मान लिया है ये आपका एक कोई पानी है इसमें, ठीक है, तो ये है सिस्टम है, ठीक है, यह सिस्टम हो गया और इसके आउटर साइड ये या ये या ये चीज़, ये क्या होगी, सराउंडिंग्स होगी, ठीक है। तो सर ये क्लियर है हमें, जो सिस्टम एंड सराउंडिंग में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 30 डिग्री तक अगर हो तो जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है वो टेम्परेचर डिफरेंस, यानी मैंने इधर सिस्टम का टेम्परेचर टी बोल दिया और सराउंडिंग का मैंने टी नॉट बोल दिया, ठीक है। तो वी कैन राइट दैट डी क्यू बाई डी टी, दैट इज रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट या रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, दैट इज टी माइनस टी नॉट। तो डी क्यू बाई डी टी को हम जब इक्वल टू के साथ इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव साइन डाल देंगे, देर इज अ कांस्टेंट दैट इज़ आई सपोज स्मॉल के टी माइनस टी नॉट। तो चलो सर ये तो ठीक है, तो हमें ये भी मालूम है जो डी क्यू होता है हीट ट्रांसफर वो एम इंटू सी स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज़ डी टी। तो डी क्यू की जगह हम डाल देते हैं दैट इज एम सी डी टी अपॉन डी टी, ये टेम्परेचर है डिफरेंशियल फॉर्म में, ये टाइम है, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस टी नॉट, दैट सिस्टम माइनस सराउंडिंग। तो अभी क्योंकि मास एंड स्पेसिफिक हीट भी कांस्टेंट है, जब मैं इसको इसके नीचे लेके जाऊंगा तो मैं इसको एम सी लिख सकता हूँ यहाँ, तो ये के अपॉन एम सी बिकम्स अ न्यू कांस्टेंट, दैट इज मैं इसको लिखूंगा डी टी अपॉन डी टी माइनस देर इज न्यू कांस्टेंट आई विल प्लेस विद कैपिटल के दैट टी माइनस टी नॉट। तो ये कांस्टेंट ही है, तो इन नेक्स्ट टर्म वी कैन प्लेस डी टी बाय टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी। तो इसके आगे एक्सप्रेशन दो वे से जाता है, ठीक है, एक डेफिनेट इंटीग्रल में एक इनडेफिनेट इंटीग्रल में, तो टीचर अलग अलग तरीके से करते हैं, हम दोनों तरीके से करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेट करते हैं दोनों को, तो पहले हमने फर्स्ट मेथड है डी टी बाई टी माइनस टी नॉट, तो ये था हमारी लेफ्ट साइड, तो जो राइट साइड है वो हमारा था माइनस के डी टी, ठीक है, यूँ था इंटीग्रेशन दे दी बोथ साइड। डी टी माइनस टी माइनस टी नॉट की जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा लॉग टू बेस ई टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस के डी टी, इंटीग्रेशन करोगे तो कितनी आ जाएगी टी। तो चलो सर ये ठीक है, अभी आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना तो वो भी ठीक है, क्योंकि जब आप इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस कॉन्स्टेंट जरूर आता है, क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है, लिमिट नहीं डाली, तो लिमिट नहीं डाली तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो दैट कॉन्स्टेंट यू कैन से दैट इज आई सपोज मैंने ले लिया लॉग टू बेस ई टी माइनस टी नॉट माइनस के टी प्लस दैट इज अ कॉन्स्टेंट आई सपोज दैट इज सी, ठीक है सर, ये मैंने सी कॉन्स्टेंट ले लिया। तो अब इसका नेक्स्ट मेथड होता है लॉग टी माइनस टी नॉट, इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में ले जाइए माइनस के टी प्लस सी, ये एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में आ गया, जो भी इधर होता है ना राइट साइड में वो ई की पावर यानी एक्सपोनेंशियल में चल जाता है जब आप इसको रिप्लेस करते हैं इसे, तो यानी टी इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज टी नॉट प्लस ई रेस टू पावर माइनस के टी प्लस सी, ठीक है, एक तो फॉर्मेट ये है। चलो सर अभी दूसरा फॉर्मेट मैं इसी डेरिवेशन को इधर से लेके जाऊंगा मैं, लेकिन इसकी लिमिट्स लगा दूंगा, यानी यहां से मैंने टेम्परेचर को टी वन ले लिया, ये टेम्परेचर टी टू ले लिया और ये यहां पर टाइम मैंने जीरो से लेकर टी तक ले लिया। अब मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगा, इसको पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, तो इसको आगे देखते हैं। तो अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो डी टी बाई टी माइनस टी नॉट की, तो ये आ जाएगा, देखो आएगा तो वही लॉग में ही आना चाहिए, तो लॉग में ही आ जाएगा लॉग टी माइनस टी नॉट, तो इसकी जो मॉड डाल के इसकी जो लिमिट है वो टी वन से टी टू जाएगी, ठीक है सर, तो ये आ जाएगा माइनस के टी आएगा यहाँ पर, इधर कॉन्स्टेंट नहीं आता क्योंकि अब डेफिनेट हो गई, तो जब आप इसमें डालोगे लॉग टू बेस ई यहाँ पर ई डाल देना, तो पहले t की जगह क्या अप्लाई करोगे t2, यानी t2 माइनस t नॉट, फिर लोअर लिमिट पुट करोगे, तो लोअर लिमिट जब आप पुट करोगे तो माइनस लॉग टू बेस e t
T1 डालोगे अब T की जगह, यानी T1 माइनस T0 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, माइनस ऑफ KT। चलो सर ये तो ठीक है, ये तो हमें आता भी है। तो लॉग M माइनस लॉग N का फॉर्मूला लगाओगे तो यह आ जाएगा लॉग T2 माइनस T1। ये माइनस है ना, इधर एडजस्ट कर लो, यानी अगर ये माइनस को इस तरफ एडजस्ट करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस आ जाएगा। तो लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम माइनस लॉग एन का आ जाएगा लॉग एम बाय लॉग एन, तो ये आ जाएगा। मैंने माइनस एडजस्ट कर लिया उस साइड का, ठीक है, इज इक्वल टू कितना के एन टी। तो हमने टाइम ही निकालना है तो के को यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए तो ये 1/k आ जाएगा, ठीक है। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, इस के को हम रब कर देते हैं तो ये हमारा टी की वैल्यू आ गई दिस वन। अगर लॉग टू बेस ये ई आई को भी रब करना तो नेचुरल लॉग में जब आप लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2.303, यानी फाइनल आंसर आ गया 2.303/k लॉग T1 माइनस T0 अपॉन T माइनस T2 माइनस T0, दैट इज़ द टाइम, ठीक है। तो ये हमारा इनिशियल टेम्परेचर होगा सिस्टम का और ये हमारा क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर सिस्टम का, क्योंकि हमने T की जगह रिप्लेस किया T1 एंड T2, T0 तो कॉन्स्टेंट ही रहता, तो जो हमारा सिस्टम सराउंडिंग है वो ऑलवेज कॉन्स्टेंट रहता। तो अभी जब दोनों एक्सप्रेशन जब हम देखते हैं तो सबसे पहले जब एक ग्राफ आता है, जो हमारा पहला एक्सप्रेशन था वो क्या था, दैट इज लॉग टू बेस ई टी माइनस T0, तो ये मैं निकाल चुका हूँ, दैट इज माइनस CT+k। तो एक तो एक्सप्रेशन ये था, ठीक है। इसको मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखा था, दैट इज टी इक्वल टू T0 उधर चल गया था प्लस ई की पावर माइनस CT+k। तो हमने ना इक्वेशन वो बनाना, दैट वी हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम, दैट इज लॉग ई टी माइनस T0 वर्सेस टी। तो यही है इक्वेशन, देखो ये वाई है, ये है एम, ये है एक्स प्लस सी, जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो स्लोप हमारा नेगेटिव है, तो स्लोप हमारा नेगेटिव है लेकिन सी पॉजिटिव है, तो ये कुछ यू बनेगा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन। सर अब इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव स्लोप की लाइन होती है और ये वाई इंटरसेप्ट होता, तो वाई इंटरसेप्ट आपका सी प्लस में ही है तो ये ऊपर ही रहेगा, तो यानी ये ऐसे ही बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डिस्टेंस सी होता, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा है कूलिंग कर्व कहते हैं जिसको, टेम्परेचर वर्सेस टाइम। तो इसका मतलब यह होता है जैसे 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 टेम्परेचर ज़्यादा ना तो कम समय में वो ठंडा हो जाता है, जैसे जैसे वो ठंडा होना शुरू हो जाता है तो अब उसकी जो रेट ऑफ कूलिंग है वो कम हो जाती है, यानी ज़्यादा टाइम में कम ठंडा होता है। सर ये चीज़ समझ नहीं आई, ये मैं बताता हूँ। जैसे जैसे उसने क्वेश्चन दे दिया आपको, क्वेश्चन बहुत है, जैसे उन्हें कहे टेक अ कप टी में 10 मिनट में। चलो मैं इसको आपको लिख के दिखा देता हूँ, होल्ड करो। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें टी इन अ कप टेक्स 10 मिनट टू कूल फ्रॉम 85°C टू 75°C। मतलब जो फर्स्ट केस है उस केस में क्या है आपका, दैट इज 85°C से 75°C टेम्परेचर चेंज हो रहा सिस्टम का। तो फिर सिस्टम का टेम्परेचर 85 लेके 75 लें ना, टेम्परेचर का जो हम सिस्टम का टेम्परेचर लेंगे वो 80°C लेंगे जो कि एवरेज है, ठीक है। चलो सर ये क्लियर है। सेकंड केस में जो इसको टाइम लग रहा है आपके पास जो फर्स्ट केस में है, दैट इज 10 मिनट, ठीक है। तो अब हम जब सेकंड की क्वेश्चन बनाएंगे, सेकंड केस की, तो सेकंड केस में क्या है, टेम्परेचर 75° से किधर तक चेंज हो रहा है, 65°C तक। तो एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम कितना आएगा, दैट इज 70, ठीक है, ये भी पता लग गया। इसका उसने हमारे से टाइम पूछा है। तो जनरल एक्सप्रेशन जो हमारा ये यहाँ पर जो आया था जो हम लगाएंगे वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ भी, जो हमने जो स्पेशल न्यूमेरिकल के लिए कौन सी इक्वेशन लगानी है। तो न्यूमेरिकल के लिए यही इक्वेशन लगेगी, DT/DT को टू माइनस के टी माइनस टी नॉट। तो यहाँ पर इसको मैं लगा रहा हूँ, देखो DT/DT माइनस के टी माइनस टी नॉट, तो दैट इज़ अ कांस्टेंट के। तो ये मैं दोनों के लिए इक्वेशन लगाऊंगा, ध्यान से देखनी है वो आपने कैसे लगाई सर ने, ठीक है। यही इसमें मेन चीज़ है। पहले केस में जो DT मीन्स टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 10°C, तो ये 10 हो गया। टाइम कितना दिया, 10 मिनट, तो मैंने 10 मिनट में ही ले लिया इसको, 10 ले लिया। माइनस के टी सिस्टम का कितना है सर, 80°C है, मैंने इसको 80 ले लिया। सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, वो दोनों के लिए ही 30°C है क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई फर्स्ट केस के लिए। अब मैं सेकंड केस के लिए जाता हूँ।
तो सेकंड केस में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वाओ दैट इज़ आल्सो 10 डिग्री, 10, लेकिन इसका टाइम नहीं मालूम मुझे, मैंने टी ले लिया। माइनस के तो कांस्टेंट ही है, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम कितना है, एवरेज टेम्परेचर 70 है, माइनस कितना 30 दैट इज सिस्टम के सराउंडिंग टेम्परेचर, इन दोनों को क्या कर देंगे डिवाइड, तो माइनस के कैंसिल हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, यू गॉट द आंसर दैट द टी इज इक्वल टू 12.5 मिनट्स। तो बड़ा सिंपल है, देखो मैं इसको बड़े ही सिंपल तरीके, बुक में ना बड़े डिफिकल्ट तरीके से किया जाता है इसको, तो मैं ना इसकी डेरिवेशन को स्टार्टिंग से ही पिक कर लेता हूँ, या स्टार्टिंग से ही डेरिवेशन को पिक करो और यहाँ पे लगा दो। डी टी बाई डी टी इक्वल टू डी टी टेम्परेचर डिफरेंस है, डी टी टाइम है, टी इज़ द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, बट कौन सा टेम्परेचर, शुरू वाला क्या हीर वाला, नहीं सर वो दैट वो एवरेज है सर उसका, ठीक है। ओके थैंक यू स्टूडेंट, इसको कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन आती है स्कूल में।